राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। चंपाई ने बुधवार 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम ये कदम उठाएंगे। चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड कैबिनेट में दूसरे मंत्री की जगह मिल गई। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।